गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे।
ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए, या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इजराइल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है, लिहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इजराइल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इजराइल के गले पर हमला करने जैसा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललकारा है, यानी हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। इसमें अमेरिका और इजराइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बहरीन है, यूरोप के बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, द नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर भी। ये अमेरिका को जवाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की शुरुआत की है। واضحا ومعلنا للدول التي تفصل جغرافيا بيننا وبين فلسطين المحتلة لتفتح منافذ مرور وعبور برية ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد.
في فلسطين، فهو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق. अमेरिका ने जब से इस मल्टीनेशनल फोर्स को बनाने की पहल की है, वो हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर आ गया है और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है। हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टारगेट बना सकता है और ऐसा वो लाल सागर में करेगा, ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा। ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं जो लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम करना चाहते हैं।